बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही की निंदा माफा मांगा माफी और बिहार में अब पचहत्तर प्रतिशत आरक्षण नीतीश कुमार शीतकालीन सत्र में लग गया है मोहर आरक्षण के नए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर नौ को आएगा बिल और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका लगातार कर रहे हैं आंदोलन और उनके चयन मुक्त करने के चिट्ठी से डरने वाली नहीं है और वही वार्ड सदस्य सरपंच संघ भी मांग कर रहा है जातीय जनगणना के अनुसार अपनी हिस्सेदारी और वही भाजपा के सुशील मोदी ने भी उठाई है मांग और नीतीश कुमार के बयान को भाजपा ने की है कड़ी निंदा कई नेताओं ने कहा है नीतीश कुमार महिला माहिल विरोधी हैं नमस्कार मैं हूं अभय कुमार आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरें बिहार की बातें बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पचहत्तर आरक्षण लागू हो गया विधानमंडल में मुख्यमंत्री ने पेश की जाति सर्वे की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट आरक्षण के नए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर नौ तारीख को आएगा बिल और आरक्षण का नया गणित है थोड़ा सा समझ लीजिए एस सी को 16 फीसदी से बढ़ाकर बीस फीसदी कर दिया गया आरक्षण और एससी को एक फीसदी से बढ़ाकर दो फीसदी कर दिया गया है वही ईबीसी ओबीसी दोनों वर्गों को तैतालीस फीसदी आरक्षण मिलेगा और ईडब्ल्यूएस के पहले की तरह दस फीसदी आरक्षण मिलेगा सर्वे में पाए गए तिरसठ हजार आठ सौ पचास आवासहीन लोगों को जमीन खरीदने के लिए सरकार एक लाख रुपए देगी एक लाख पैंसठ राज बेरोजगारों को दो दो लाख रुपए दिए जाएंगे और जीविका दीदी की संख्या बढ़ेगी डेढ़ करोड़ की होगी जीविका दीदी नब्बे लाख अत्यंत गरीब परिवारों के प्रति परिवार दो लाख मिलेगा वहीं चौरानवे लाख परिवारों को प्रति परिवार दो लाख मिलने की बात को देश केंद्र में जातीय जनगणना कराए बिहार को विशेष दर्जा दे नीतीश कुमार का यह बयान वहीं नीतीश कुमार के एक और बयान की काफी चर्चा है हालांकि अपने बयान को के लिए माफी मांग लिया है अपनी ही निंदा की है लेकिन भाजपा इस पर मुखर है नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है भाजपा नेता भागीरथी देवी निवेदिता सिंह और नीतीश कुमार नीतीश मिश्रा सहित कई नेताओं ने भाजपा के भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार के सदन में इस तरह के बयान की कड़ी निंदा की है कहीं उन्होंने भाषा मर्यादित नहीं रखा उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही अश्लील था हालांकि काफी बवाल होने के बाद मुख्यमंत्री ने बाहर मीडिया के सामने भी और सदन में भी माफी मांगी और कहा कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं अगर किसी की भावना मेरे बयान से आहत हुई है तो मैं इसकी कर, निंदा करता हूं तो यह बहुत बड़ी खबर है नीतीश कुमार का यह माफी मांगना पड़ा है सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को माफी मांगना पड़ा है फिर भी जो जनता में माहौल है विपक्षी जिस तरह से हमलावर है नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है वहीं इतने बवाल के बाद पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है विभाग सोच रहा है कि जीविका दीदियों पर कार्रवाई करके उनको चयन मुक्त करके उन्हें डरा देंगे लेकिन जीविका दीदी मानने वाली नहीं है आज भी पटना में वो प्रदर्शन पर अड़ी हुई है जो आंगनबाड़ी सेविका जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शन करेंगे हालांकि कई जगहों से यह खबर आ रही है कि वहां का जो जिला अध्यक्ष हैं हड़ताल वापस लेने के लिए डीपीओ को चिट्ठी दे दिया है चिट्ठी दिया है कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं लेकिन जो आंगनबाड़ी सेविका संघ है कि जो प्रदेश की इकाई है वह हड़ताल वापस लेने की मांग को गलत कह रहा है, है कि हम हड़ताल वापस नहीं लिए हैं इस बार जो होना होगा सो होगा, हम हड़ताल पर ही रहेंगे हम आपको बता दें कि जब से आंगनवाड़ी सेविका हड़ताल पे हैं, टीची डी एच आर में टेक होम राशन बंटना बंद हो गया है और इस पर गांव के पोषण पर ग्रामीण बच्चों के गरीब बच्चों के पोषण पर काफी असर पड़ रहा है और इधर अगर बात करें जातीय जनगणना में कुछ और निकलकर सामने आया है सर्वे में सवर्णों में भूमिहार गरीब तो कायस्थ अमीर है सवर्ण में सब गरीब भी में की की अगर बात की जाए तो भूमिहार गरीब है।, कायस्त अमीर है और वहीं एससी में मुसहर गरीब तो दबगर जाति अमीर है दबगर जाति ज्यादा अमीर है और मुसहर सबसे गरीब है भारत भूटान के बीच पहले रेल लिंक का सर्वे पूरा ट्रेड कारिडोर का समझौता नौ बिंदुओं पर सहमति बन गई है और इधर बिहार की मौसम की बात करें तो एक दो दिन में न्यूनतम तापमान दो डिग्री तक गिरेगा मौसम ठंड की शुरुआत अभी और गिरेगा तापमान और वहीं अगर हम बात करें बीपीएससी शिक्षक बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाइड शिक्षकों के आंदोलन का तो लगातार वो भी आंदोलन कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया है और जो आंदोलनकारी हैं उनका मांग है कि बिहार के जितने भी बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर गए हैं उनके उनको नौकरी दिया जाए क्योंकि उन्होंने तो परीक्षा पास किया है जबकि बिहार में सीटें खाली हैं और बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है और आरक्षण में भी काफी गड़बड़ी की गई है जैसा कहा जा रहा है कि जितना आरक्षण का कोटा होना चाहिए ईबीसी ओबीसी के के साथ ठगी हुई है एस सी के साथ भी ठगी किया गया है और उसे सुधारा जाए और आरक्षण के अनुसार सारे लोगों को नियुक्त किया जाए और इधर जो भी सीटें खाली होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के कारण या फिर फर्जी प्रमाण पत्र के कारण किसी भी तरह से अगर सीटें खाली होती है तो उन सीटों को 2023 में जो पहले फेज में बीपीएससी के परीक्षा जो पास किए हैं युवा उन्हीं के द्वारा बाहर आ जाए तो यह लगातार आंदोलन हो रहा है और जिसे लेकर अब उन्हें समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है और इधर देखिए वार्ड सदस्यों और पंचों के हवाले से तो सुशील मोदी ने कहा है कि पंचायतों के वार्डो और पंचायतों का भी ब्यौरा दीजिए मुख्यमंत्री जी आप इस पर चुप क्यों है वार्ड सदस्यों के लगातार मांगे हो रही है मोदी ने कहा कि जब यह मंत्रालय भाजपा के जिम्मे था तो वार्ड सदस्य खुश थे वार्ड सदस्य के चुनाव में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लिए हम पंच और सरपंच पर काम करना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जो है से वार्ड सदस्यों को शिथिल कर दिया है वार्ड प्रबंधन समिति को शिथिल कर दिया है जो विकास गांव के अंतिम समय तक अंतिम स्तर तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पा रहा है वही जो ग्राम पंचायतों को केंद्र द्वारा फंड मिलता है उस फंड का बंडर कर दिए हैं और सारे का सारा फंड उठाकर अपनी एजेंसी ब्रेडा को दे दिया है जिसे लेकर भाजपा काफी मुखर है और इधर बात करें हम तो जीविका दीदियों को लेकर तो जीविका दीदियों के लिए लगातार जो खबरें आ रही है मुख्यमंत्री का सारा ध्यान जीविका दीदियों पर है हालांकि सिर्फ बोली से बात अभी तक जीविका दीदियों के लिए किया कुछ नहीं गया है सिर्फ घोषणाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि जीविका दीदियों को जीविका के समूह को कारपोरेट की तरह विकसित किया जाएगा और जीविका दीदी इंप्लाई होंगे अफसर होंगे और उन्हें वेतन भी मिलेगा बिहार के अन्य खबरों पर नजर डालें तो भाजपा का मूल्यांकन दिसंबर में इस बार जैसी जरूरत तो वैसा ही प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 प्रत्याशियों के लिए शुरू हो चुकी है और वही अब कोर्ट में अपनी भाषा में बात रख सकेंगे जज तक अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर पहुंचेगी स्थानीय भाषा के फैस भाषा में फैसले मिलेंगे गोपालगंज से खबर आ रही है बालू बालूवा गिट्टी से लड़े ट्रकों ट्रकों पर पचास लाख रुपए का जुर्माना और इधर अनिशाबाद फुलवारी एम्स रोड में रोज लगता है जाम हैं जून महीने में विज्ञापन के आते ही सक्रिय हुआ था नब्बे हजार में बेची आंसर की यह में खुलासा हुई है सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की परीक्षा तिथि से पहले प्रश्न पत्र हाथ लग गया था लाखों में बेच दिया था और वहीं पुनपुन बराज घाट कूड़े में कूड़े का अंबार लोग छठ कैसे करेंगे यह देखना है और वहीं दस लाख सुपारी देकर रांची से तीन शूटरों के साथ गोविंद ने हत्याकांड को दिया था अंजाम सी टीम की पूछताछ में गोविंद ने बताया वह पूरी कहानी और आशुतोष शाही हत्याकांड की बात हो रही है और एक चेतावनी है सौ वर्ष के भीतर दोबारा आते हैं अधिक तीव्रता वाले भूकंप तो इसमें पचास वर्ष पुराने भवनों के धराशायी होने का खतरा सबसे ज्यादा है तो यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद बंदे मातरम